तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो एपेक्स लेजेंड अपने पीसी लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं बट वो खेल इसलिए नहीं पा रहे, ना तो उनके पास सफिशिएंट डेटा है, ना तो भाई अच्छा सिस्टम रिक्वायरमेंट है लेजेंड अच्छे ग्राफिक्स के साथ खेल पाए। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो यहाँ पर ये सपना आपका पूरा होने वाला है। आप अपने लो एंड पीसी लैपटॉप पे एपेक्स लेजेंड खेलने वाले हैं, वो भी बिना लैग के और बिना इशू के, चाहे आपके पास 2GB रैम हो और ग्राफिक कार्ड के नाम पे घंटा कुछ भी ना हो। टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस एपीके एंड ओबीबी यूज करते हो तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली जीरो एरर आने का चांसेस रहता है। बॉक्स प्लेयर यूज सकते हो, मेमो यूज कर सकती हो, तो मैं तीनों का कंपैरिजन गेम प्ले आपको लास्ट में दिखाऊंगा। बट यहाँ पर एलडी प्लेयर अगर आपके स्लो एंड पीसी है तो काफी अच्छा ऑप्टिमाइज एमुलेटर है भैया एलडी प्लेयर। तो यहाँ पर आपको एलडी प्लेयर का वर्जन लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे वेबसाइट से भी इस एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ एमुलेटर को, देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एमुलेटर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। मैं ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर को इंस्टॉल कर लेना, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, काफी इंपॉर्टेंट है यार ये फाइल मैनेजर हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमें एपेक्स लेजेंड का जो एपीके और ओबीबी जो हमने डाउनलोड किया है अपने वेबसाइट से, सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एपीके मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको एमुलेटर पे, तो जो आपका एपीके रहेगा वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। बट अभी आपको एपीके ओपन नहीं करना है, अब क्या करना है आपको एंड्रॉइड पे जाना है एंड ओबीबी को यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से इसे कट कर दो, एलडी प्लेयर में आओ, यहाँ पर आपको ये फोल्डर का आइकन मिलेगा शेयर फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है शेयर पीसी ड्राइव फोल्डर, यहाँ पर दिखा है, एडवांस फीचर्स पर जाओ एंड ये देख लो भैया आपका कहाँ पर यहाँ पर फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर में, तो अब अपन चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर अपन डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं एंड यहाँ पर अपने को इस फोल्डर पे आना है जो आपको एक्स करके देखेगा, एक्स यू एन, सिंपली इस पे चलना है एंड यहाँ पर आपको पिक्चर में ये वाला पेस्ट कर देना ओबीबी को, सेम आपके में भी यही रहेगा। तो यहाँ हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर कॉपी हो चुका है, सिंपली में से कट करते हैं एंड फिर से अपन इम्यूलेटर पर चलते हैं अपना। यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, अपने स्टोरेज पर आ जाना है दोस्तों एंड यहाँ पर आपको पिक्चर्स को सर्च करना है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा पिक्चर्स, ये रहा हमारा पिक्चर्स। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ओबीबी फाइल जो हमने कॉपी किया था सक्सेसफुली यहाँ पर कॉपी हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, कॉपी पे क्लिक करना है, होम वाले बटन पे जाना है, फिर से इंटरनल स्टोरेज पे जाना है, एंड्रॉइड पे जाना है एंड यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ओवरराइड का यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो अप्लाई टू ऑल में करके ओवरराइड आप यहाँ पर कर ले। सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है, सिंपली हमें यहाँ से सब कुछ क्लोज कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर थंडर वीपीएन को डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीपीएन है, सबसे ओपी एंड सबसे अच्छा पिंग देने वाला है ये वीपीएन दोस्तों, ठीक है। तो आपको थंडर वीपीएन प्ले स्टोर में फ्री मिल जाएगा, आपको इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसे आप आराम से वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपको ये वाला लोकेशन इस आइकन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिंगापुर पर सेलेक्ट करना है एंड ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। कभी कभार यहाँ पर ऐड आ जाता है कभी कभार, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेने का, अपन सिंपली होम पे क्लिक करते हैं। अब आप बोलोगे आदित्य भाई आप कुछ सेटिंग नहीं दिखा रहे हो यार अपन कुछ सेटिंग, तो भैया एलडी इम्यूलेटर वाले ये वाले वर्जन पे आपका जो ऑटो डिटेक्शन सिस्टम रिक्वायरमेंट ये ऑटो कन्फिग हो जाता है भैया, तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम एपेक्स लेजेंड को यहाँ पर हम ओपन करते हैं एंड आपका जो वीपीएन है वो बैकग्राउंड पे चलते रहेगा। और इस इम्यूलेटर की सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि आपको इसमें की मैपिंग करने का कोई भी झंझट नहीं है, पर प्री की मैपिंग आपको देखने को मिल जाता है, कुछ वेरीफाई होगा दोस्तों। पर काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, जीमेल है तो यहां से आप साइन इन हो जाए, और अगर आप जस्ट ई अकाउंट है तो भी यहां से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो फटाफट से यहां पर मैं एज अ गेस्ट लॉग इन हो जाता हूं। यहां पर जो है हमारा एपिक लेजेंड मोबाइल सक्सेसफुली यहां पर चालू हो चुका है बिना किसी लैग के एंड बिना किसी एरर के। तो यहां पर अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फुल स्क्रीन करने का, तो ये रहा। एंड यहाँ पर हर एक की मैपिंग काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। फटाफट से यहाँ पर मैं गन उठा लेता हूँ, चलिए
ऑलराइट, तो यहाँ पर अपने को बहुत ही तगड़ा गन देखने को मिल चुका है। इस तरह अपने पीसी या लैपटॉप पे एपेक्स लेजेंड मोबाइल को खेल सकते हैं वो बिना परेशानी के। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने उस फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें यार जो एपेक्स लेजेंड मोबाइल अपने पीसी या लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं जो तीन एमुलेटर हैं जिन पे एपेक्स लेजेंड काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आप तीनों का ग्राफिक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट चल रहा है एलडी प्लेयर में, तो मैं हाईली प्रेफर करूँगा कि प्लीज़ आप एलडी प्लेयर को यूज़ करें। अगर आप एलडी प्लेयर में इशू आता है तो आप मीमो एंड नॉक्स पे जा सकते हैं।